इंसानी तारीख में माजी में हम सिर्फ यही मंजर अपनी पूरी कायनात में से देख सकते थे। कुछ हजार सितारे जो रात के मखमली अंधेरे में टिमटिमाते नजर आते थे, और यही मंजर है जो हम एक साफ अंधेरी रात को देख सकते थे। यहां तक के दूरबीन की इजाद ने यकायक मंजर बदल कर रख दिया। हमने करीब से सैयारों का मुशाहिदा किया, दूर दराज के सितारों और कहकशाओं को देखा, और कायनात के हैरत अंगेज राज खुलने शुरू हुए। आज हमारे पास निहायत जबरदस्त दूरबीनें हैं, जिनकी मदद से हमने कायनात में वो कुछ देखा जिसके मुतालिक माजी के साइंसदान तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आसमान के मुतालिक इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। हमने आसमान का मुशाहिदा किया और इसकी गहराई और पेचीदगी ने हमें हैरान कर दिया। खला सितारों, सैयारों और कहकशाओं की हैरत अंगेज दुनिया है, जहां वक्त को कई अरबों खरबों सालों में नापा जाता है और फासलों को करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों नूरी सालों के जरिए देखा जाता है। ये आदादो शुमार बज़ाहिर नाकाबिले यकीन मालूम होते हैं, और कभी कभी तो ये कायनात महज तसव्वुराती दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह रब्बुल आलमीन खुदा की अजीम शान कुदरत है जिसने इंसान की अक्लों को हैरत में डाल रखा है। दुनिया के अक्सर साइंसदानों का ये यकीन है कि हमारी कायनात आज से 14 बिलियन साल कबल एक बिग बैंग के जरिया मारिज़े वजूद में आई। उस वक्त तमाम कायनात एक सिंगुलैरिटी यानी एक वाहिद हयूला की हैसियत रखती थी, जिसका हुजम सुई की नोक से भी हजारों गुना कम था। ये मुकम्मल तौर पर बंद और तारीख था। इस सिंगुलैरिटी या वाहिद हयूला का दर्जा हरारत और मुकैद मादा की मकदार तसव्वुर की जाने वाली किसी भी चीज़ से ज़्यादा थी। नज़रियात के मुताबिक इस वहदत में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और उसमें मुकैद मादा बिखरना शुरू हुआ। और हमारी कायनात की पैदाइश हुई। वक्त, खला और मादा की पैदाइश इसी बिग बैंग के साथ हुई। एक लम्हा से भी कम वक्त में कायनात एक वाहिद एटम से बड़ी होते हुए एक कहकशां से भी वसीह होती चली गई, और उस वक्त से ये लगातार फैलती चली जा रही है। ऐसी कायनात का तसव्वुर जो मुसलसल फैलती चली जा रही हो, साइंसदानों के नज़दीक इस बात का इंकशाफ एक अजीम शान इंकशाफ है, क्योंकि इससे साइंसदानों को
कायनात की तख्लीक को समझने में मदद मिलती है। नीज ये दरियाफ्त कायनात की मरहलावार इस तरह वजाहत करती है जो बिग बैंग के नज़रिया से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। हम आपको एक और अजीम शान बात बताते हैं जिससे हमारे सर खुदा ताला के हुजूर झुक जाते हैं, और वो ये है कि साइंसदानों की इन ईजादात को, जिनको उन्होंने अभी हाल हाल में ही दरियाफ्त किया है, पुराने मजीद में 1400 साल कबल बयान किया जा चुका है। चुनांचे यही कायनात की पैदाइश की बिग बैंग की थ्योरी को ही ले लीजिए। पुराने मजीद तख्लीक़ कायनात का जो नज़रिया पेश करता है वो हू बहू बिग बैंग के नज़रिया के मुताबिक है। क्या उन्होंने नहीं देखा जिन्होंने कुफ्र किया कि आसमान और जमीन दोनों मजबूती से बंद थे, फिर हमने उनको फाड़कर अलग कर दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज पैदा की, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? यहां पर रतकन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिसके माने मुकम्मल तारीकी और यकजान होने के हैं। सूरज से तकरीबन 15 गुना बड़े सितारे जब अपना दौरे हयात ख़त्म कर चुकते हैं तो उनसे ब्लैक होल बनने का आगाज होता है। इन सितारों की कशिश सकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनके वजूद को सुकेड़ कर छोटी सी जगह पर समेट लेती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की शिद्दत की वजह से मादा मजीद सुकड़ कर सुपरनोवा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी अंदरूनी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है के हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, हत्ता के रोशनी भी इससे बाहर नहीं जा सकती और वापस जज्ब हो जाती है, जिसके नतीजे में मुकम्मल तारीकी पैदा हो जाती है। इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इन हकायक से ज़हन खुद ब खुद पुराने करीम में मज़कूर लफ्ज़ रतकन की तरफ मुतवज्जे हो जाता है जिसका मतलब है मुकम्मल तारीकी। इसको इस्तलाहन सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल एक बार मारिज़े वजूद में आ जाए तो बड़ी तेज़ी से फैलने लगता है, क्योंकि दूर दराज के सितारे इसकी बढ़ती हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक अंदाज़ा के मुताबिक एक ब्लैक होल में मौजूद मादा की मकदार सूरज में मौजूद मादा की मकदार से 10 करोड़ गुना ज़्यादा हो जाती है। कायनात का इख्तिताम भी इसी किस्म के ब्लैक होल के ज़रिए होगा के फैलती हुई ये कायनात दोबारा वापस एक अजीमुशान ब्लैक होल में सिमटती चली जाएगी। आखिरकार तमाम मादा
वापस खींच लिया जाएगा। कायनात की तख्लीक अव्वल के ज़िमन में कुरान करीम बड़ी वजाहत से बयान करता है कि इस कायनात का खात्मा एक और ब्लैक होल की सूरत में होगा। इस तरह कायनात की इब्तिदा और उसका इख्तिताम एक ही तरस पर होगा और यूं कायनात का दायरा मुकम्मल हो जाएगा। चुनांचे कुरान करीम ऐलान करता है, यौम नक़ुस समाअ कत्तिस्सिजिल लिल्कुतुब, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे दफ्तर तहरीरों को लपेटते हैं। इस आयते करीमा से वाजे होता है कि कायनात अबदी नहीं है, नीज एक वक्त ये आलम बही खातों की तरह लपेट दिया जाएगा। साइंसदान ब्लैक होल का जो नक्शा खींचते हैं वो इस आयत के बयान करदा नक्शा से गहरी मुमासलत रखता है। जूं जूं खला से मादा ब्लैक होल में गिरता है, तू तू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश सकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुव्वत की शिद्दत की वजह से दबाव के तहत एक चादर की सूरत इख्तियार कर लेता है। चूंकि ब्लैक होल का मरकज अपने महवर के गिर्द घूमता रहता है, इसलिए ये तमाम मादा कोई नामालूम सूरत इख्तियार करने से पहले इसके गिर्द लपेटा जाता है। कुरान मजीद इससे भी आगे बढ़कर एक और हैरत अंगेज इंकिशाफ करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस तरह हमने पहली तख्लीक का आगाज किया था उसका इयादा करेंगे, ये वादा हम पर फर्ज है, यकीनन हम ये कर गुजरने वाले हैं। इस आयत में ये वादा दिया गया है कि जब कायनात एक ब्लैक होल में गुम हो जाएगी तो उसके बाद एक नया आगाज होगा। अल्लाह ताला कायनात की अज़सर नौ तख्लीक करेगा जैसा कि उसने पहले किया था। ब्लैक होल में गुम कायनात एक बार फिर अंधेरे से बाहर आ जाएगी और तख्लीक का ये अमल एक बार फिर शुरू हो जाएगा। कुरान करीम के मुताबिक कायनात के सुकड़ने और फैलने का अमल एक जारी अमल है।
इल्मे फलकियात में इन उलूम का मालूम होना कोई आसान काम नहीं था। सिर्फ यही मालूम करने के लिए कि हमारी ज़मीन कायनात का मरकज नहीं है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इंसान को सदियां लग गई। आज अगर हमें कोई ये कहे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो हमें कतन कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये बात हम बचपन से अपने घर और स्कूल में सुनते चले आए हैं। लेकिन पुराने वक्तों में ये बात तसव्वुर करना मुहाल थी कि हमारी ज़मीन घूम रही है, बल्कि ऐसा अकीदा रखना तो जुर्म समझा जाता था। इंसान के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि हमारी ज़मीन घूम रही है, क्योंकि हम आसमान को देखते हैं तो आसानी से पता चलता है कि सूरज और चांद और सितारे मशरिक से तुलू होते हैं और मगरिब में गुरूब हो जाते हैं। हमें ना कोई धक्का लगता है कि ज़मीन की रफ्तार मालूम हो सके। बस ये नज़रिया सदियों तक रहा, यहाँ तक के बाज लोगों की अनथक मेहनतों और सारी ज़िंदगी की कोशिशों से हम इस नतीजा पर पहुँचे कि हमारी ज़मीन कायनात का मरकज तो क्या, हमारी कहकशां का मरकज भी नहीं है। पुराने वक्तों में गौर करने वालों ने ये बात गौर से मुशाहिदा की कि हर सितारा हर रात 4 मिनट जल्दी तुलू होता है। 4 मिनट का फर्क जमा होते होते 1 महीना में 2 घंटे का फर्क बन जाता है और 1 साल में 24 घंटे का फर्क बन जाता है। इसलिए अगर कोई सितारा किसी तारीख को रात के 8 बजे तुलू होता है तो 1 साल गुजरने के बाद उस तारीख को वो रात के 8 बजे तुलू होगा। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 1 चक्कर 1 साल में लगाती है। कदीम ज़माना के लोगों ने बड़े गौर से तारों को देखा और वो इस नतीजा पर पहुँचे कि बाज़ सितारे ऐसे हैं जो इस उसूल की पाबंदी नहीं करते कि हर रात 4 मिनट जल्दी तुलू हों। ये बात काबिले गौर है कि हज़ारों सितारों में से 5 सितारों को पॉइंट आउट करना कि ये इस उसूल की पाबंदी नहीं करते बहुत बड़ी बात थी, जबकि उस ज़माना में कोई एडवांस्ड घड़ियां और टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे। उन्होंने इन 5 सितारों का नाम वॉन्डरर्स रखा कि ये इधर उधर घूमने वाले सितारे हैं। दरअसल ये 5 सितारे प्लैनेट्स हैं जिनके नाम ये हैं: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, जिनको उर्दू में अतारद, जोहरा, मर्रीख, मुश्तरी और जुहल कहा जाता है। साइंसदानों ने अपनी ज़िंदगी की सारी रातें इसी मुशाहिदा में सर्फ कर दीं कि कौन सा सितारा कहाँ है, कब तुलू होता है, कब गुरूब होता है। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती चली गई कि ज़मीन निज़ाम शमसी का मरकज नहीं है। यहाँ तक कि गैलीलियो ने सन 1609 में एक टेलीस्कोप बनाया और उसने कहा कि देखो, अब तुम मेरी दूरबीन से देख सकते हो कि जुपिटर के गिर्द उसके चांद हैं जो उसके गिर्द चक्कर काट रहे हैं, हमारी ज़मीन के गिर्द नहीं। इसी तरह उसने बहुत से आर्गुमेंट्स दिए कि अब तक जो बात इल्मुल यकीन थी, मेरी दूरबीन ने उसे ऐनुल यकीन बना दिया। लेकिन बावजूद इसके
उस जमाना के लोगों को ये बात यकीन करना बहुत मुश्किल थी और गैलीलियो को बहुत सताया गया और यहाँ तक के चर्च ने उसे कैद करवा दिया। हत्ता के इन्हीं दुखों में उनकी वफात हो गई। अब सन 1609 के बाद सन 2009 में उसके टेलीस्कोप पर पूरे 400 साल होने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी पूरी दुनिया में गैलीलियो की याद में मनाया जा रहा है। हमारा सूरज भी साकित नहीं है, बल्कि वो अपने गिर्द तमाम घूमने वालों को लेकर एक बहुत ज़्यादा वसी दायरा में घूम रहा है। हमारा सूरज बहुत ज़्यादा बड़े निज़ाम का मेंबर है, जिसको हम गैलेक्सी या कहकशां कहते हैं। प्लैनेट्स को छोड़कर रात को जो हमें बहुत से सितारे नज़र आते हैं, जो हर रोज़ 4 मिनट कबल तुलू होते हैं, वो सारे दरअसल सूरज हैं, जो बहुत दूर होने की वजह से छोटे नज़र आते हैं। हमारा सूरज भी अगर उतनी दूर होता तो वो भी एक सितारा की तरह नज़र आना था। हमारे सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है, बावजूद इसके कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील का फासला तय करती है। इसके बिलमुकाबिल सितारे इतने दूर हैं कि रोशनी को आने के लिए कई साल लग जाते हैं। अठारह में एक साइंसदान बेसल ने हमारे करीब तरीन सितारे को दरियाफ्त किया। उसको पता चला कि वहाँ से रोशनी आने के लिए 10 साल लगते हैं। बल्फाज दीगर उसका फासला 10 नूरी साल है। वह सूरज से 10 लाख गुना ज़्यादा दूर है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सितारे कितनी दूर हैं। बहुत से सितारे हमारे सूरज से बड़े हैं और ज़्यादा रोशन हैं, और बहुत से इससे छोटे और कम रोशनी देने वाले हैं। हमारा सूरज एक औसत किस्म का सितारा है। हमारी कहकशां में सितारों यानी सूरजों की तादाद 100 अरब से ज़्यादा है। इनमें से एक हमारा सूरज है। हमारी सारी ज़मीन में इंसानों की जो पॉपुलेशन है, उससे कई गुना ज़्यादा तादाद सूरजों की हमारी कहकशां में है। हमारी कहकशां इतनी बड़ी है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी को सफ़र करने के लिए 1,00,000 साल लग जाते हैं। हमारा सूरज मरकज़ कहकशां से काफ़ी दूर है। मरकज़ कहकशां से सूरज तक रोशनी आने के लिए 30,000 साल लगते हैं। हमारा सूरज मरकज़े कहकशां के गिर्द एक चक्कर 20 करोड़ साल में लगाता है। मौजूदा 20वीं सदी में इल्मे फलकियात ने बहुत बड़ी तरक्की की है, और अब हम ये जानते हैं कि हमारी कायनात में
अरबों की तादाद में कहकशाएं हैं। बड़ी बड़ी दूरबीनों के जरिया और खलाई दूरबीन के जरिया तहकीकात की जा रही हैं। आखिर हमारी कायनात कितनी बड़ी है? इस सवाल के जवाब को इंसान हमेशा तलाश करने की कोशिश करता रहा है। आइए इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं और हम कायनात के आखिरी सिरे तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना वक्त लगता है। तसव्वुर कीजिए कि हम एक ऐसे जहाज में सफर करने वाले हैं जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर है, यानी ये जहाज एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमारा तसव्वुराती सफर 1 जनवरी की आधी रात को हमारे अपने सितारे सूरज से शुरू होता है। हम चंद लम्हों में मरकरी के करीब से गुजरते हैं, फिर वीनस और फिर हमारी जमीन। 93 मिलियन मील का सफर हमने महज 8 मिनट और 19 सेकंड में पूरा कर लिया है। हम सैयारे मार्स के करीब से गुजरते हैं, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 5 घंटे और 31 मिनट के बाद हम प्लूटो के पास से गुजरते हैं। हमने तकरीबन 3.5 बिलियन मील का सफर तय कर लिया है और तारीख अभी भी 1 जनवरी ही है। हम निजामे शमसी के बाहरी किनारों तक पहुंच रहे हैं। सूरज और उसके साथ ही सैयारे और हमारी जमीन हमें निगाहों से ओझल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खला में अब हमें सिर्फ सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक साल गुजरता है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, आखिरकार हम 5वें साल की 19 अप्रैल को हमारे करीब तरीन सितारे अल्फा सेंटोरी के करीब से गुजरते हैं। हमने 25 ट्रिलियन मील से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है और अभी तो हमारा सफ़र बमुश्किल शुरू ही हुआ है। अब हम सूरज से 10 नूरी साल यानी 10 लाइट ईयर्स दूर हैं और हमें हमारी अपनी कहकशां के सितारे सुकड़ कर इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। 100 साल गुजरने के बाद हमें गैस और नेबुलास मटेरियल हमारी कहकशां का दिखाई देना शुरू होता है। एक लाख साल के गुजरने के बाद हमें हमारी अपनी कहकशां, जिसका नाम मिल्की वे है, उसकी मुकम्मल स्पाइरल शक्ल दिखाई देनी शुरू होती है। यहां से अलग अलग सितारों की रोशनी की बजाय हमें सिर्फ पूरी कहकशां की मजमूई रोशनी दिखाई दे रही है। अगर 10 के आगे 22 सिफर लगा दिए जाएं, तो जो भी अदद बनेगा तकरीबन उतने सितारे हर एक कहकशां में मौजूद हैं। पांच मिलियन साल के गुजरने के बाद मिल्की वे अपनी 30 और साथी कहकशाओं के झुंड में दिखाई देती है, जो लोकल ग्रुप कहलाता है।
50 मिलियन नूरी साल तय करने के बाद हमें कहकशाओं का एक बहुत बड़ा क्लस्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर तकरीबन 2000 कहकशाएं मौजूद हैं। हमारा सफर जारी है और हम अपने कॉस्मोस की गहराई में सफर कर रहे हैं। 1 बिलियन साल गुजरता है, 2 बिलियन साल, 5 बिलियन साल, 10 बिलियन साल के बाद हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं और अपने यूनिवर्स का मुशाहिदा करते हैं। लातादाद अरबों खरबों कहकशाएं सिर्फ एक नुक्ते की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। ये इतना अजीमुशान मंजर है कि इसके खालिक की अजमत के आगे हम सरबसजूद हैं। अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का एक बड़ा जरिया ये है कि जिक्र इलाही के साथ कायनात आलम पर गौर किया जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन फी खल्क السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کے معلم اعظم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو بہت بڑا علمی انقلاب پیدا ہوا تھا، آپ پر یہ عظیم الشان وحی نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربك الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو ہمارے نہایت ہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ۶
العرفان يسعى إلي كالخلق كالزمان أين فيز الله والعرفان. اس طرح قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب دنیا میں ایک عظیم علمی انقلاب پیدا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. قرآن کریم کے نزول کے وقت عرب بالکل جاہل تھے. قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دینی و دنیاوی علوم سیکھے. پھر ان کے ذریعہ اسپین نے علم سیکھا. پھر اسپین سے یورپ کے دوسرے ممالک نے سیکھا اور مزید ترقی ہوئی. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی حالت میں جو قیمت رکھتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے، بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح علم خواہ کس قدر ترقی کر جائے، صحرا مسلمانوں کے سر ہی رہے گا اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا کہ علم بالقلم، کہ اب دنیا کو قلم کے ذریعہ علم سکھانے کا وقت آ گیا ہے. بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن نے ہی سکھائے ہیں. اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو دنیا ایک ضلالت کدہ ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی. یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کے لیے بہت ترغیب فرمائی تھی. مثلا آپ نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ممالک عرب جانتے تھے ان میں چین بہت دور دراز کا ملک تھا. اس وقت تک امریکہ کا پتہ نہیں لگا تھا اور چین تک پہنچنا نہ صرف بڑے اخراجات کا متقاضی تھا بلکہ راستہ بھی مخدوش اور خطرناک تھا. قرون اولی کے مسلمانوں نے اپنے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خوب عمل کیا. علم کی خاطر انہوں نے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا، سائنس میں تحقیق کی اور مختلف علوم میں دنیا کے ماہر اور استاد بن گئے. اسلامی دنیا میں سائنسی مضامین میں سب سے زیادہ اہمیت علم حیات کو دی گئی. مسلمانوں نے آفتاب و مہتاب کی روشنی، زمین کی حرکت، روشنی کی رفتار جیسے دقیق مسائل پر تحقیقات کی، سال اور ماہ کی مدت مقرر کی، کسوف و خسوف کے اسباب پیش کیے. اسپین کے فاضل حیات دان اور آلات بنانے والے الزرقلی نے دعویٰ کیا کہ ستاروں کے مدار بیضوی ہوتے ہیں، یعنی وہ حرکت کرتے ہوئے انڈے کی شکل کے دائرے میں سفر کرتے ہیں نہ کہ گول دائرہ میں. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ البیرونی نے اپنی ایک کتاب میں پورے یقین سے کہا تھا کہ زمین اپنے مدار پر گھومتی ہے. ابن رشد نے مراکش میں قیام کے دوران سن سپاٹس دریافت کیے تھے. مسلمانوں نے کئی ایک مقامات پر علم فلکیات کو فروغ دینے کے لیے آبزرویٹریز قائم کیں. البتانی جو علوم فلکیات میں مہارت رکھتا تھا اس نے 42 سال تک اجرام سماوی کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد مبسوط کتابیں قلم بند کی. اس نے سورج کا مدار معلوم کیا، سال کی مدت معلوم کی جو 365 دن
5 घंटे 42 मिनट और 24 सेकंड थी। गर्ज ये कि मुसलमान एक लंबा अरसा तक इल्मे फलकियात में अव्वल मकाम पर फाइज रहे। बाद में जब मुसलमानों ने कुरान मजीद की तालीम को भुला दिया तो उन पर जवाल आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस जमाना में सैयदना हजरत अक्दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने हमें ये ईमान अफरोज बात बताई कि इस्लाम के लिए फिर उस ताजगी और रोशनी का दिन आएगा जो पहले वक्तों में आ चुका है, और वो आफताब अपने कमाल के साथ चढ़ेगा जैसा कि पहले चढ़ चुका है। अल्लाह ताला ने आप पर भी रब जितने इल्मा की दुआ इल्हामन नाजिल फरमाई। नीज आपको बजरिया इल्हाम ये दुआ भी सिखाई गई, रब्बे अरिनी हकायकल अशिया, यानी ऐ मेरे रब मुझे अशिया के हकायक दिखला। अल्लाह ताला ने आपको ये बशारत दी कि आपके फिरका के लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। बस आज ये जिम्मेदारी अहमदी नौजवान लड़के और लड़कियों के सर पर है कि वो साइंस के हर मैदान में तरक्की करें।